Hello everyone, welcome to the fourth class of types of software. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में. जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमने पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का चार एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो था BIOS, आज हम पढ़ेंगे BIOS के बारे में कि BIOS क्या है, what is BIOS, BIOS क्या है, आज इसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे. Okay, चलिए शुरू करते हैं. पहले BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो ये क्या है? एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर एक बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है. तो इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है या फिर इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि कंप्यूटर में जब आप पावर बटन को क्लिक करते हो, पावर बटन जब ऑन करते हो, तब आपका कंप्यूटर जो ऑन होता है, तो कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि आपका कंप्यूटर इस बटन को क्लिक करने से ही ऑन होगा. वहां पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया गया होगा, तो उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं BIOS. इसीलिए BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, तो BIOS क्या है? BIOS एक बूटिंग फर्मवेयर है. तो बूटिंग फर्मवेयर मतलब क्या? आप अपने मोबाइल में देखे होगे, जब भी आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना होता है तो वहां पे रिबूट और रिस्टार्ट लिखा होता है. मतलब मोबाइल या फिर आपका मोबाइल ऑन है या फिर आपका कंप्यूटर ऑन है, उसको अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हो, मतलब खुद से ऑफ होके खुद से ऑन होना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिस्टार्ट और रिबूट. और अगर कंप्यूटर हम एक ही बार ऑन करना चाहते हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर ऑफ है, हम उसको ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं बूटिंग और स्टार्टिंग. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टार्टिंग और बूटिंग. बूटिंग मतलब क्या? स्टार्ट करना, शुरू करना. तो बूटिंग फर्मवेयर मतलब क्या? कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम जो स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बूटिंग फर्मवेयर. तो BIOS एक बूटिंग फर्मवेयर है या फिर एक स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको इनिशियलाइज करने के लिए. ओके, तो BIOS क्या है? BIOS एक स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब एक बूटिंग फर्मवेयर है. बूटिंग फर्मवेयर मतलब एक स्मॉल सेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोग्राम. स्मॉल सेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोग्राम मतलब क्या? ये एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम यूज करके कंप्यूटर के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको कंट्रोल करते हैं या फिर उनको ऑन करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं और उनको इनिशियलाइज करते हैं. समझ आ गया? तो इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर व्हेन पावर्ड ऑन. जब भी हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, जब भी पावर बटन में क्लिक करके ऑन करते हैं, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर फर्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ये BIOS है वो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है. क्योंकि कंप्यूटर ऑन होगा तब जाके बाकी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे, बाकी प्रोग्राम्स बाकी सॉफ्टवेयर्स एग्जीक्यूट होंगे, काम करेंगे. तो कंप्यूटर ऑन होने के लिए जो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने के लिए जो हम स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? BIOS. तो BIOS ऐसा फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में जब भी हम पावर ऑन करते हैं या फिर जब भी हम पावर में ऑन बटन को क्लिक करते हैं. समझ आ गया? द इनिशियल फंक्शन ऑफ द BIOS इज. BIOS का इनिशियल फंक्शन क्या है, मतलब BIOS का फर्स्ट काम क्या है? टू इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनको इनिशियलाइज करेगा, मतलब उनके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा ताकि वो लोग भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सेप्ट करके ऑन हो जाएं, ताकि फिर हम उसको बाद में यूज कर सकें. तो कौन कौन सा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, बेसिकली रैम, हार्ड डिस्क, सीडी या फिर डीवीडी का ड्राइव जिसमें हम सीडी और डीवीडी डालते हैं, वीडियो डिस्प्ले कार्ड जिसके वजह से हम हमारे मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट देख पाते हैं, ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड में होता है. तो उस मदरबोर्ड में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए या फिर उनके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करके उनको ऑन करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं BIOS. समझ आ गया? BIOS programs, BIOS क्या है? एक स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम है. तो BIOS programs are stored on a chip. Chip मतलब एक मेमोरी कार्ड, एक स्टोरेज डिवाइस. तो BIOS program या फिर BIOS का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम एक चिप में स्टोर करते हैं जिसको हम बोलते हैं BIOS चिप.
क्योंकि उसमें बायोस का प्रोग्राम स्टोर्ड है, इसीलिए उस स्टोरेज डिवाइस को हम बोलते हैं बायोस चिप, विच इज फिटेड इन टू द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का, जो ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है, जहां से कंप्यूटर के सारे सिस्टम के पास हमारा कनेक्शन होता है, उस मदरबोर्ड में ये बायोस चिप कनेक्टेड होता है या फिर अटैच्ड होता है। ओके, और उस बायोस चिप के पास जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले जाता है, फिर वो बायोस चिप क्या करता है, उस मदरबोर्ड में बाकी जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, बाकी जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अटैच्ड हैं, उन सब के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देता है ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए, वो ऑन हो जाए, ताकि हम उसको कंप्यूटर ऑन होने के बाद यूज कर सकें। ओके, तो बूट फर्मवेयर और बूटिंग फर्मवेयर क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम जो स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बूटिंग फर्मवेयर, जो कि बायोस एक बूटिंग फर्मवेयर है। तो ये जो बूट फर्मवेयर है या फिर बूटिंग फर्मवेयर है, ये एक रोम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रोम मतलब क्या? रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो बायोस का जो स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो बूटिंग फर्मवेयर है, ये एक रोम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम किस तरह के मेमोरी में स्टोर करते हैं? रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो इसको हम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर क्यों करते हैं? ताकि रीड ओनली मेमोरी में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं, वो पावर सप्लाई ना होने से भी उससे वो डाटा या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम रिमूव नहीं होता, परमानेंटली उसमें स्टोर होके रहता है उसको, और हम एक बार स्टोर होने के बाद इरेज नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए बूटिंग फर्मवेयर एक रोम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये जो बूटिंग फर्मवेयर का जो सॉफ्टवेयर है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको हम रीड ओनली मेमोरी चिप में स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो ये बूटिंग फर्मवेयर क्या करता है? कंट्रोल करता है एक कंप्यूटर को, कब से? फ्रॉम द टाइम दैट इज टर्न्ड ऑन, कंप्यूटर का बटन आप टर्न ऑन, मतलब कंप्यूटर का पावर बट ऑन बटन जब से क्लिक किए, तब से शुरू करके जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस में जो है उसके पास जब तक कंट्रोल नहीं चला जाता, तब तक ये सेट ऑफ प्रोग्राम, ये जो बूटिंग फर्मवेयर है या फिर जो बायोस प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10.1, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके मोबाइल में जैसे कि एंड्रॉयड। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल्स को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल आने से पहले, उससे पहले जो सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कब से? जब से हमने पावर ऑन बटन क्लिक किया है, तब से लेके जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल नहीं आ जाता, उस टाइम तक कंप्यूटर को इनिशियलाइज करने में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं बूटिंग फर्मवेयर। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी चिप में, या फिर रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ बूटिंग फर्मवेयर इज, बूटिंग फर्मवेयर मतलब क्या? बायोस, बायोस एक बूटिंग फर्मवेयर है। तो बायोस का या फिर बूटिंग फर्मवेयर का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, उनको इनिशियलाइज करेगा, मतलब उनके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा ताकि वो लोग ऑन हो जाएं, इनिशियलाइज हो जाएं। ऑन होने के बाद देन टू बूट, बूट मतलब क्या? लोड एंड एग्जीक्यूट, मतलब स्टार्ट करना, ऑन करना। मतलब जैसे कि आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, कंप्यूटर ऑन होने के बाद कंप्यूटर में आपका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको वो लोडिंग करता है, लोड करने के बाद उनको आपके डिवाइस में एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप उन चीजों को क्या कर पाते हो? यूज कर पाते हो, और यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो। तो बूटिंग फर्मवेयर या फिर बायोस का काम है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनको इनिशियलाइज करेगा, उनके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करके उसके बाद उनको बूटिंग करेगा। उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद वो लोग ऑन हो गए, ऑन होने के बाद उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको लोड करेगा, लोड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करेगा हमारे डिवाइस में। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हम क्या कर पाएंगे? फिर उसको हम यूज कर पाएंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग हो गया, एग्जीक्यूट हो गया हमारे सिस्टम में, तो अभी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गया। फिर आगे से कंट्रोल अभी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो अभी हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। ओके, तो कंप्यूटर को ऑन होने तक कंट्रोल किया कौन? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग फर्मवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा था। तो अभी
नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर ऑन होने के बाद? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके किस तरह के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ओके, तो आज के क्लास का हमारा मोटिव था कि बायोस क्या है। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कब से? जब से हम पावर बटन को ऑन करते हैं तब से लेके जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल नहीं आ जाता, उस टाइम के अंदर कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं बायोस। ये कंप्यूटर का फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूट होता है तब जाके हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो पाता है, उसके साथ जितने हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो ऑन हो पाते हैं, और ऑन होने के बाद उनमें जो सॉफ्टवेयर हम लोड किए हैं वो सॉफ्टवेयर लोड होके उनमें एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हम उन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो एग्जीक्यूट होता है वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।